देखने स्वागत तेज आपको ब्रेकिंग न्यूज सुनई दूसरी यश को नहीं जहां एसआरसी किसी समय पूर्व शुणी बात्या स्थित स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रतिक्रिया और जहां से कहते कि बासुदेवपुर बाहनगा मध्य लैंडफॉल कर संभावना रही है। लैंडफॉल कला बेलू पवन बेग 140-155 किलोमीटर रोक बेले बेले घंटा प्रति 180 किलोमीटर झटका देपे पवन बेग किसी स्थान में 4 मीटर पर्यंत जुआर उठ वर्तमान सुधा 250,000 लोकों स्थानांतरित कर 45,000 गर्भवती महिला भी स्थानांतरित कर 400 गर्भवती यह भितर प्रसव हो आज राति 9 सुधा स्थानांतरित प्रक्रिया शेष हो। 5 ब्लक में 100 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड हो 30 ब्लक में 50 मिलीमिटर वर्षा होती आज राति 9 पर पवन बेग और वर्षा बढ़ एने सूचना देखते एसआरसी और अंपटे जी आम देखा जो लैंडफॉल प्रक्रिया रही जेहेतु बासुदेवपुर बाहनगा मध्य लैंडफॉल कर संभावना रही एसआरसी कहते तेणु निश्चित लैंडफॉल कर पूर्व 5 घंटा और परवर्ती 5 घंटा धरिकी चलतु कि सबुठ अधिक क्रुशियाल अर्थात बेसी संवेदनशील होती से ही समय कारण जो लैंडफॉल कर जो प्रक्रिया से संबंध पवन एवं जो वर्षा तार परिमाण अधिक उग्र रूप धारण कर पवन एवं से ही समय जेहेतु पवन बेग पाखापाखि 140-155 दरकार पड़े बेले बेले 180 हो पाए तेणु पवन रेग को जी आम देखा यह अनेक किसी क्षति कर संभावना रही बड़ बड़ गच भी उपड़ी पड़ संभावना रही कच्चा घर गुड़िक भांगी जबार भी संभावना रही अंपटे जेहेतु वर्षा भी बढ़ जेहेतु समुद्र भी अशांत रोचे तो निश्चित स्थल भाग में पानी आसीजार संभावना रही है तेणु बात्या परवर्ती जो सिचुएशन रही जो परिस्थिति रही नजर रखा जा एसआरसी कहते सेपटे पाखापाखी जहाँ सूचना देखते कि 250,000 लोक सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित कर गर्भवती महिला को स्थानांतरित कराई यही समय जितेबाला यस लैंडफॉल कर आसंता का भोर 5:30 बेलू जो तांडव रचु ता पूर्व जो मैंने प्रसववती महिला जो रही जो मैंने प्रसव करपटे जो 5 ब्लक रही वर्तमान सुधा जहाँ रेकर्ड हो 100 मिलीमिटर वर्षा अर्थात बहु परिमाण वर्षा रेकर्ड होता जहाँ सूचना देखते 5 ब्लक में 30 ब्लक में 50 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड होता जहाँ एसआरसी सूचना देखते आज राति 9 पर पवन बेग बढ़ एसआरसी जहाँ सूचना देखते जी आम देखा यस तार प्रभाव बर्तमान देखे सारा आपड़ा किस समय पूर्व पारादीप देखा धामरा देखा जेहेतु बासुदेवपुर भद्रक बासुदेवपुर बाहनगा मध्य यह अतिक्रम कर तेणु निश्चित भाव में भद्रक जिला प्रति बहु मात्रा रे अलर्ट रही प्रशासन कारण यही समय अनेक किसी क्षय क्षति घटाइब बात्या यस तेणु यस लड़ाई प्रशासन तार प्रस्तुति आरंभ कर देसी एनडीआरएफ ठार आरंभ कर ओड्राफ और आपत अग्निशम बाहिनी कथा कहतु समस्त को जो जो जगार संवेदनशील जगह बेसी रही जो भी अधिक प्रभावित होवार आशंका रही लोक मैंने प्रभावित होवार आशंका रही से सबू जगह को बर्तमान टीम को पठा जाता जहाँ सूचना रही तेणु मोटामोटी कहवाक स्थिति पूरा कड़ा नजर रखा जा कारण एसआरसी जमी पूर्व कहते कि बात्या परवर्ती जो फ्लड जो जो फ्लाश फ्लड हुए अर्थात जो पा जमे से पा जो कृत्रिम बन्या प्रकार जो सृष्टि हुए से लोक मैंने क्षतिग्रस्त होवार आशंका रही तेणु देखार कथा यस जेहेतु तार वर्तमान रूप देखा आरंभ कले पवन बेग बढ़ लगला समुद्र अशांत होबार लगी उच्च ज्वार आसू 2-4 मीटर जुआर आसवर संभावना रही आम देखुचे कि हाई टाइड भी रोचे पारादीप कथा कहतु आपड़ा एरसमा कथा कहतु आपड़ तालसरी कथा कहतु भोगराई कथा कहतु पूरी कथा कहतु जदि पूरी एत प्रभाव ना देखा मिलनी एपर्तंत जे हो नपे से संभावना को उड़ाई दी जाए नपे कारण बात्या जिते लैंडफॉल कर ये लैंडफॉल कर समुद्र के अशांत रोबेठ कह बे मुस्किल कितु ये चित्र ही बयान कर कि यस कौ रूप धारण करते मात्र प्रभावित कर आईएमडी पक्षर जो सूचना दीजिए से आधार एसआरसी सूचना देखते कि भोर 5:30 पाखापाखि लैंडफॉल कर किंतु लैंडफॉल कर पूर्व समय और तापरवर्त समय यस खूब तांडव रचार संभावना रही अनेक गच घर एवं जनजीवन भी प्रभावित होवार आशंका रही है कि जीरो कैजुआलिटी हूँ सरकार मुख्य उद्देश्य कौन सी धन जीवन जमी हानि न हो से पाखापाखि 2,50,000 लोक उच्च स्थान को स्थानांतरित कर एसआरसी कहते अंपटे जलसेचन विभाग स्थित पर नजर रखी कारण जेहेतु वर्तमान पा जमार आशंका रही उच्च जुआर आसूसी जेहेतु कल ग्रहण भी रही तेणु समुद्र आहरी फुल आहरी उच्च जुआर आसो कारण पा निष्कासन हो नपे तेणु से जो परिस्थिति सृष्टि हो विभिन्न तलिया अंचल बालेश्वर भोगराई कहतु तालसरी कथा कहतु कि बालीपदर कथा कहतु कि रंबा कथा कहतु तेणु से अंचल प्रभावित होवार बेस आशंका रही है जी आम भद्रक कथा कह धामनगर कहतु बासदेवपुर कहतु तिहड़ी कहतु यह सब अंचल बेस प्रभावित होवार आशंका रही तेणु
ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଯେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ବା ପାଣି ନ ଜମିବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହି ନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବା ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଏ ଫସି ନ ରହୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି।